वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पेंटिंग से रिलेटेड यूज़फुल और बेनिफिशियल वीडियोस मिलती रहें। पेंटिंग हम स्टार्ट करेंगे कपड़े को वॉश करने के बाद, और वॉश करने का तरीका मैंने फैब्रिक पेंटिंग फॉर बिगनर्स क्लास 1 में बताया है, तो अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने सारी वीडियोस जो बिगनर्स के लिए हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो सारी वीडियोस आपको एक जगह मिल जाएंगी। आज इसमें मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल ही डिफरेंट शेड, जो कि इजी भी होगा और बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, और आप इस तरीके से अगर अपने फ्लावर को पेंट करते हैं तो आपकी कोई भी डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लगने वाली है और यूनिक भी लगेगी। जैसा कि कलर मैंने स्टार्टिंग में ही शो कर दिया है, कलर मैं यूज़ कर रही हूँ स्काई ब्लू और डार्क ब्लू, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा आता है। इस तरीके से मैंने आपको एक बार पहले रोज़ बना के भी दिखाया है, तो अगर आप रोज़ सीखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। आज हम ये वाला फ्लावर बनाएंगे। सबसे पहले आप इस फ्लावर को बहुत ही केयरफुली वॉच करें, और फिर जब सेकंड फ्लावर होगा तो मैं उसमें आपको शेड एक्सप्लेन करूँगी। इससे क्या होगा कि जब आप एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, और जब मैं सेकंड वाले फ्लावर को एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ अच्छे से आएगा, क्योंकि ये रिपीटेशन हो जाएगा। जब कोई भी चीज़ हम दोबारा से देखते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। पेंटिंग के लिए मैं ज़्यादातर राउंड ब्रश यूज़ करती हूँ, और ये ब्रश कौन सा है मैं अभी आपको आगे शो करूँगी। डिज़ाइन आप कोई भी बना सकते हैं, अगर आप बिगनर्स हैं और आपको बनाने में प्रॉब्लम आती है तो मैंने ड्रॉ कैसे करना है कुछ डिज़ाइन बनाई हुई है और ड्रॉ करके भी बताई है, तो आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप बिगनर्स प्लेलिस्ट से देखिए, उसमें भी इजी डिज़ाइंस हैं जो आप ड्रॉ ईज़िली कर सकें और प्रैक्टिस भी कर सकें। और अगर आप एकदम ही बिगनर्स हैं और आपके शेड्स अच्छे नहीं आ रहे या कोई भी प्रॉब्लम है ऐसी, तो आप कमेंट में वो बात लिखिए और उसको एक्सप्लेन करके लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, या फिर मैं आपके लिए स्पेशली एक अलग से वीडियो बना दूँगी ताकि आपको आसानी से सीखने। ब्रश कौन सा यूज़ करना है, कलर कौन सा बेस्ट होता है, फैब्रिक को वॉश करना है नहीं वॉश करना है, कैसे वॉश करना है, ये सारी चीज़ें जो टॉपिक्स हैं वो आप कमेंट में पहले से लिखते हैं, तो मैंने जो बिगनर सीरीज़ की वीडियोज़ है उसमें वन बाय वन सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, और उसके वीडियो के ऊपर ही मैंने उसको लिख भी दिया है। तो आपको अगर ये सारी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट विज़िट करें और देख लें कौन सी वीडियो में लिखा हुआ है, आप उसको क्लिक करें, उसको वॉच कर लें। जब आप उसको कम्प्लीट वॉच करेंगे तो उसमें मैंने कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लेन किया है, तो आपको जो अपना आंसर है वो डिटेल में मिल जाएगा। अगर आप कोई भी पेंटिंग मेरी वीडियोस देख के सीखते हैं और बनाते हैं तो आप वो मेरे साथ इंस्टाग्राम या फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। आपकी पेंटिंग मैं अपने स्टोरी हाइलाइट्स और कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करती हूँ, तो आपने अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा होगा कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे सेंड करते हैं, और आप लोग बहुत ही अच्छी पेंटिंग सीख रहे हैं, बना रहे हैं, आपके शेड्स भी बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेंटिंग मेन जब आप सीखते हैं कहाँ से सीखते हैं, प्रैक्टिस से सीखते हैं। आप कितनी भी अच्छी वीडियोस देख लें लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके हाथ में वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करते वक्त वीडियो देखते हुए करना है, क्योंकि आपको गलत प्रैक्टिस नहीं करना। और आप जब वीडियो देखते हुए करेंगे, स्पेशली जो रोज़ या डिफरेंट टाइप के थोड़े से टिपिकल फ्लावर होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप देखते हुए वीडियो करेंगे तो आपका बिल्कुल ही सेम आता है, क्योंकि शेड जो है वो आप सही करते हैं। और अगर आप अपने देखने के बाद फिर अलग से लेके बैठते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ शेड्स भूल जाएं कि बीच वाले पार्ट में कैसे शेड करना था, या तो उसमें आपका मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। चलिए अब हम लोग ये वाले फ्लावर का शेड जो है एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो है लाइट कलर को फिल करेंगे, और फिर नीचे की तरफ से डार्क ब्लू कलर से शेड देंगे। शेड देने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि वो स्मूथ अच्छा सा फिनिश लुक आए। एक पेटल छोटी हो या बड़ी सबको ही ध्यान से करते हैं, तो पेशेंस देके टाइम देके ताकि आपका ओवरऑल लुक जो है वो बहुत ही प्रिटी लगे। फिर सेकंड में हम क्या करेंगे,
फिल करेंगे स्काई ब्लू कलर, लेकिन नीचे से। फर्स्ट वाले में हमने ऊपर से फिल किया था, सेकंड में हम नीचे से फिल करेंगे। तो अब आप समझ रहे हैं हम लोग अल्टरनेटिव मेथड का यूज़ कर रहे हैं। पहली वाली पिटल में नीचे डार्क, तो दूसरी वाली पिटल में ऊपर डार्क, फिर तीसरी वाली पिटल में नीचे की तरफ डार्क। तो ये जो शेड है, जैसे कि मैंने एक फ्लावर आपके लिए कर दिया था, अब एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको देख के रेफरेंस मिल रहा है ना। इससे क्या है कि जो आपका लुक है वो बहुत ही डिफरेंट, यूनिक और ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से हमारी टू पिटल्स हो गई। अब हम थर्ड पिटल को करेंगे। थर्ड पिटल में हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ से स्काई ब्लू कलर को फिल करेंगे और उसको अच्छे से फिल करेंगे। कलर को ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है। बहुत ज़्यादा कम भी लेंगे तो वो ड्राई सा आएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम तो होगी। तो हम लोग एक नॉर्मल अमाउंट में कलर लगाएंगे, फिर नीचे से डार्क ब्लू। डार्क ब्लू को कम क्वांटिटी में लगाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाइएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो वो पूरा जो आपका पिटल है वो डार्क ब्लू सा दिखने लगेगा। और उसको हम हल्का हल्का ब्लेंड करते हुए शेड करेंगे और फिर तीसरी पिटल को करेंगे। तो वन बाय वन आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि शेड कैसे करना है। इस शेडिंग से आप डिफरेंट टाइप का फ्लावर बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको क्लास वन और क्लास टू में बताया, और आपने उससे बहुत ही डिफरेंट चीज़ें बनाई, सूट बनाए, बहुत लोगों ने ऑर्गेन्जा पे दुपट्टा पेंट किया, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ एज ए सब्सक्राइबर वर्क। वो चीज़ें नहीं भी शेयर करती हूँ क्योंकि वो उनका यूनिक न्यू होता है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं पहले ही शेयर कर दूँ किसी का वर्क, उन्होंने अभी ड्रेस पहना नहीं या बेडशीट बिछाई नहीं। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं शेयर करती, लेकिन ज़्यादातर जो मैं वर्क शेयर करती हूँ वो आपने देखा होगा कि कितना ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो आपको क्या करना है, पहले शेड की प्रैक्टिस करना है, और आपको प्रैक्टिस किसी अच्छे क्लॉथ पे करना है। आप मार्केट से 1 मीटर 2 मीटर क्लॉथ ले लीजिए और उस पर वन बाय वन प्रैक्टिस करिए। नीट एंड क्लीन वर्क बनाना है आपको, ताकि आपको प्रैक्टिस करने का, पेंटिंग करने का मन करे। अगर आप किसी भी क्लॉथ पे कर लेंगे या आपने अपनी पेंटिंग गंदी कर दी, तो आपका ज़्यादा दिन तक इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और अगर आप अच्छा सा क्लॉथ लेंगे, उसको अच्छे से पेंट करेंगे डिज़ाइन बना के, तो वो एक बना दो बना तो आपको भी देख के बहुत अच्छा लगेगा, जिससे आपको इनकरेजमेंट होगी कि मुझे और बनाना है, मोटिवेशन मिलेगा आपको खुद के लिए। तो ये छोटी छोटी बात है जो आप ध्यान में रखेंगे तो आप भी बहुत ही अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं। अब ये जो फ्लावर है उसमें हमारी 7 पिटल्स हैं, तो हम 6 पिटल तो हमने कर लिया। अब जो हमारी 7th पिटल है, अगर हम उसको नीचे से शेड करते हैं, तो जो हमारी 1st पिटल थी वो भी, दोनों का शेड जो है वो सेम हो जाएगा ना। तो अब देखिए, आपको ऐसी सिचुएशन में जब आपके ऑड नंबर्स में पिटल हो तो क्या करना है। जब इवन में होगा तो आपका ये फिनिश हो जाता, अगर 6 होता तो ये बंद हो जाता या 8 होता। अब ये ऑड नंबर है, 7 है, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको बहुत ही दिमाग लगाना है कि एक तरफ से मैंने किया नीचे से शेड, क्योंकि जो 6 के बाद 7 है उसमें नीचे से अब हमारा डार्क दिख रहा है, और दूसरी तरफ हम उतना नहीं करेंगे ताकि एकदम ही मिक्सअप ना हो और सारी पिटल अलग अलग दिखें। फ्लावर हमारा हो गया। अब लीव के लिए देखते हैं, कलर है सैप ग्रीन और वाइट लिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ईज़िली मिल जाता है। अच्छा, मैं ब्रश शो कर रही हूँ, ये देखिए 6 नंबर का ब्रश है फ्लावर के लिए, ठीक है, इससे मैंने फ्लावर किया है। अब ये भी 6 नंबर का ब्रश है, इससे मैं करूँगी लीव। मेरे पास 2 6 नंबर का ब्रश है, ठीक है, आपको विजिबल दिख रहा होगा। तो ये देखिए छोटी छोटी डिटेल्स, जैसे मैंने आपको अभी फ्लावर को शेड करते वक्त बताया कि 7 पिटल होगी तो क्या करेंगे, और ब्रश हो गया, ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलती हैं जब आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं। असल में आपको मुश्किल कब आती है, जब आप हाफ़ वीडियो देखते हैं, हाफ नहीं देखते हैं, आपने कंप्लीट लुक देख लिया, आपको लगता है हाँ आ गया, और फिर जब आप पेंट करते हैं तो आपको मुश्किल आती है। जो लोग भी कंप्लीट वीडियो देखते हैं, आपने देखा होगा उनका वर्क मैं शेयर करती हूँ, कितना ही प्यारा आता है। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट देखना है, पेशेंस के साथ देखना है, ताकि आप अच्छे से सीख सकें। लीव को भी हम कुछ उसी स्टाइल से पेंट करेंगे, लेकिन पहले आप ध्यान से देखिए कि मैं कैसे ब्रश चला रही हूँ। ब्रश पे हल्का प्रेशर है, ठीक है, ना बहुत कम प्रेशर ना बहुत ज़्यादा, हल्का प्रेशर है। देखिए आप, वो हल्का सा जिस तरीके से लीव है उसी शेप में ब्रश चल रहा है, ठीक है।
आपने ये मूवमेंट ध्यान से देखा, अभी मैं शेड एक्सप्लेन करूँगी आपको, लेकिन मैं आपको ब्रश का मूवमेंट दिखाना चाहती थी। जैसे कुछ लोगों का जो शेड है वो बहुत ही स्ट्रेट आ जाता है, इसलिए अभी वाइट हमें कम लग रहा था तो हल्का सा वाइट बाद में लिए और हल्का सा शेड कर लिए। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब शेड क्या है कि देखिए, यहाँ पे हमने डार्क नीचे लगाया और लाइट ऊपर, जैसे कि पिटल में किया था वैसे अब हम करेंगे, जो सेकेंड लीव होगी उसमें डार्क ऊपर लगाएंगे। ठीक है, मेथड जो है मैं एक वीडियो में एक ही जैसा बताती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसी तरीके से पिटल बनाएं फ्लावर की, उसी तरीके से लीव बनाएंगे ताकि कोई भी परेशानी ना हो और शेड बहुत ही अच्छे से सीख सकें। और हम नीचे के पार्ट में इसमें लगाएंगे वाइट। अब हमने फर्स्ट में नीचे लगाया था डार्क, इसलिए हम लगाएंगे दूसरे में वाइट। उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, मिक्स आउट करेंगे ब्रश पे प्रेशर देते हुए। दूसरी साइड में हम लेंगे वाइट कलर और लगाएंगे। ठीक है, देखिए ब्रश को वॉश नहीं करेंगे इसलिए वाइट लगा रही थी मैं, लेकिन लाइट ग्रीन का शेड अपने आप आ गया। अगर आपका जो वाइट है उसमें कलर लग जाता है तो आप ग्रीन का वाइट अलग रखें और फ्लावर का वाइट अलग रखें। इससे क्या होता है कि डिफरेंट कलर का तो फ्लावर बनाते हैं लेकिन लीव तो ज़्यादातर ग्रीन ही होती है ना, तो आप जो है लीव का वाइट अलग कर सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम थी तो कि उनका शायद वाइट गंदा हो जा रहा था अगर वो ब्रश ज़्यादा वॉश नहीं कर रही थी, और अगर ब्रश वॉश कर रही थी तो कलर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। तो आप ये कर सकते हैं कि आप सेपरेट कर लें। अब हम थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड में हम नीचे लगाएंगे डार्क, क्योंकि हमने सेकंड में लगाया था नीचे वाइट। ठीक है, और फिर ऊपर वाले पार्ट में लगाएंगे वाइट कलर। वाइट कलर को लगाने के बाद हम उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। पहले हमने कलर लगा दिया, अब कलर जो ब्रश हमारा है उसमें कलर वाइट लगा हुआ है, हल्का सा उसको कपड़े पे साफ़ करेंगे और उसके बाद हम उसको ब्लेंड करना शुरू करेंगे, जिससे शेड हमारा अच्छा है। और हम ऊपर से नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ ब्रश चलाएंगे और उसको अच्छे से शेड करेंगे। लीफ को ना ज़्यादा हमें डार्क रखना है ना उसको बहुत ही ज़्यादा लाइट रखना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग शेड करेंगे और कलर लगाएंगे। जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ ज़्यादा डार्क लगेगा वहाँ कलर वाइट कलर लगा लेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट लगेगा वहाँ हम नीचे से शेड करते हुए ऊपर ग्रीन ले जाएंगे, या फिर हम वहाँ पे हल्का सा ग्रीन कलर लगा सकते हैं। देखिए शेड आपको बार बार करना है, उसको क्यों शेड उसको ब्लेंड करना है। जब आप उसको मिक्स अच्छे से करेंगे तो आपका एक स्मूथ सा दिखेगा। तो उस स्मूदनिंग के लिए देखिए आपको बहुत ही आराम आराम से शेड करना है। अब हो गई हमारी ये लीव भी बन के तैयार। अब हम नेक्स्ट करेंगे ये तीनों लीव। अब देखिए ये जो फ्लावर का पिटल हमारे पास दिख रहा है जो लीव के ऊपर है, उसका ऊपर वाला पोर्शन लाइट था, इसलिए लीव का ऊपर वाले पोर्शन पे हम लगाएंगे डार्क ग्रीन कलर। फिर हम नीचे लगाएंगे, ये देखिए ये लीव, अगर आपको ड्रॉ करने में परेशानी आ रही हो तो परेशान नहीं होना। जो हम लोग छोटी छोटी लीव बनाते हैं ना उसी को थ्री के स्टाइल में बनाना है, ये बहुत ही इजी है, आपको देख के लग रहा होगा, लेकिन अगर इसको ड्रॉ करने की आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे आपका बहुत ही आराम से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये डिज़ाइन बिल्कुल भी टफ नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ईजी डिज़ाइन रखी थी कि आपको मुश्किल ना आए पेंट करने में। इसकी मैं एक ड्रॉ की हुई पिक्चर इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए। एक मिनट रुके, मैं यहाँ पे ना एक उसकी फ़ोटो डाल देती हूँ ताकि आपको ड्रॉ करने में आसानी हो स्केच की। ये देखिए ये स्केच है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने में आपको परेशानी नहीं आएगी, वो अगर आप वन बाई वन फ्लावर ड्रॉ करेंगे ये बहुत ईजी फ्लावर होता है। ठीक है, और आपकी ना डिज़ाइन का लुक भी बहुत अच्छा आएगा क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, लीव इसमें डिफरेंट रखी है मैंने और फ्लावर को अरेंज भी अच्छे से किया है। तो इसको आप कहीं पे भी पिलो कवर सूट या किसी अपने दुपट्टे पे बूटा जो होता है ना बूटा करके भी बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वो तो आप लोग बहुत ही क्रिएटिव हैं, वो आप लोग बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा और पेंट करने के बाद मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, तो अब हम अपनी कर रहे हैं, ये है हमारी फोर्थ लीव। हाँ, तो हम अपनी फोर्थ लीव को कर रहे हैं पेंट। स्टेप्स तो आपको समझ आ गए होंगे, शेड
शेयर करने में अगर मुश्किल आ रही होगी तो आपको थोड़े से पेशेंस के साथ वीडियो देखते हुए प्रैक्टिस पे बस ध्यान देना है, और आपको जहाँ ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ पे मेरा ज़्यादा मिस्टेक आ रही है तो उस चीज़ को, जैसे कभी क्या होता है कि किसी किसी का फ्लावर बहुत अच्छा बनता है और किसी किसी की लीव जो है वो बहुत अच्छी पेंट होती है, तो आप जानते होंगे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लीव में आती है या फ्लावर में आती है। तो जिस चीज़ में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आपको उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखिए अब हम अच्छे से जैसे जैसे पेंट करते जा रहे हैं, स्टेप वही हम बार बार दोहरा रहे हैं, उसी शेड से करते जा रहे हैं। अब देखिए हमारी डिज़ाइन जो है जैसे जैसे पेंट होते जा रही है वैसे वैसे वो उभर के प्यारी और ख़ूबसूरत सी दिखती जा रही है। तो आपको ये करना है, पेशेंटली करना है। और एक बात और ध्यान में आपको रखना है, कभी भी आप किसी भी डिज़ाइन की प्रैक्टिस करते हैं या पेंट कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपको आती है आप पेंट कर रहे हैं, मतलब आपने पेंटिंग स्टार्ट कर दी है और आपको बीच में जाके लग रहा है कि अच्छी नहीं लग रही, फिर भी आपको उस वर्क को कंप्लीट करना है, ठीक है। बीच में कुछ भी नहीं छोड़ना, आपको कितना भी वो अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन जब आप उसको कंप्लीट करेंगे वो ज़रूर अच्छा लगेगा। तो आपको उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने से क्या होता है कि आपको नेक्स्ट टाइम भी पेंट करने का मन करेगा। अगर आप हाफ हाफ अपना छोड़ेंगे ना तो ना आप पेंटिंग सीख पाएंगे ना आप कुछ अच्छे से बना पाएंगे। तो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और नीट वर्क रखना है अपने लिए सीख रहे हैं तो अपने लिए बहुत ही अच्छे से वो करना है, भले आपका कोई देख नहीं रहा है, आप देख रहे हैं, आप अच्छा डिज़र्व करते हैं, आप अच्छे से बनाइए। हमारी लीव और फ्लावर हो गए हैं पेंट, अब हम जो डंठल बनाएंगे और जो छोटी छोटी चीज़ें अभी इसमें एलिमेंट मैंने ऐड किया उसको करेंगे पेंट। उसके लिए लिए हैं 0 नंबर का ब्रश और उससे हम बनाएंगे डंठल। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें कम हेयर्स होते हैं तो आपका जो है ना ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं और इससे बहुत ही फिनिश और प्यारी सी आपकी लाइन बनती है। 0 नंबर का ब्रश बहुत ही आराम आराम से यूज़ करेंगे, बहुत ही अच्छे से हम अपनी डंठल को बनाने की कोशिश करेंगे जितने अच्छे से बन सकती है, जितनी स्मूथ बन सकती है। ये इस पे आपका जो है पूरा लुक डिपेंड करता है। अगर आपने कहीं मोटी कहीं पतली बना दी तो हो सकता है आपका लुक थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, लेकिन अगर आपने स्मूथ अच्छी सी बनाई है तो आपका जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही प्यारा आएगा। आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ब्रश चलाना है, जैसे कि हम पेंसिल यूज़ करते हैं ना वैसे आपको कॉन्फिडेंस के साथ चलाना है। ये नहीं सोचना कि अगर ख़राब हो जाएगा ख़राब, ऐसा सोचते हुए नहीं पेंट करना, अच्छा सा सोचना है कि हाँ मेरा बन जाएगा। और आपको एक थोड़े से झटके से ब्रश से जब भी आप लाइन बनाएंगे ड्रॉ करेंगे तो थोड़े से जल्दी से बनाएंगे, जल्दी से खींचेंगे, डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए और बनाएंगे थोड़ा सा जल्दी। ये बनाने से लाइन टूटती नहीं है और जब लाइन टूटती नहीं है तो डिज़ाइन में फ्रेशनेस रहती है, एक क्लियर लुक आता है, तो उससे आपकी डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लगती है, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम सारी जो डंठल है उसको बना लेंगे और अभी हमारी एक लीफ तो रह गई छोटी वाली नीचे, चलिए कोई बात नहीं, पहले हम डंठल बना लेते हैं और उसके बाद हम उसको भी पेंट कर लेंगे। लीव और फ्लावर दोनों में मैंने ज़्यादा कलर यूज़ नहीं किया है ताकि आपको शेड में प्रॉब्लम ना हो, तो आप 2 कलर यूज़ किया है, सैप ग्रीन और वाइट। और ये वाली जो हमारी छोटी लीव बची है पहले उसको पेंट कर लेते हैं, उसके बाद इसमें नस डालेंगे और फिनिशिंग करेंगे फ्लावर की भी। तो इसमें भी हम सैप ग्रीन और वाइट यूज़ करेंगे, वाइट ज़्यादा थोड़ा लगा लेंगे क्योंकि ये छोटी लीव है, ऊपर से हल्का सा लगाएंगे सैप ग्रीन, दोनों को करेंगे मिक्स और कर देंगे इसके बाद उसको शेड। शेड करने के बाद हम लेंगे अपना 0 नंबर का जो हमारा ब्रश है उसमें लगाएंगे हम सैप ग्रीन कलर और उसके बाद हम जो लीव हम पेंट कर चुके हैं उसमें डालेंगे हल्की हल्की नस। नस डालने से क्या होता है, एक डेफिनेट लुक आता है, आपने देखा होगा मैं अपने सारी लीव में हमेशा से नस डालती हूँ, इसी वजह से ये उसकी खूबसूरती बढ़ा देता है और रियलिटी में भी हर लीव में नस होती है तो इसलिए आपको नस डालनी चाहिए। और उसके बाद हम बनाएंगे फ्लावर का पराग। देखिए अभी तो हमारा वाइट वाइट है तो सबसे पहले हम येलो कलर फिल कर देंगे, ये वही वाला पराग है जो मैंने आपको पहले भी बताया अगर वीडियो देखी होगी आपने, और ये इजी भी है और इससे लुक क्या है वो एकदम ही चेंज हो जाता है। एक सिंपल फ्लावर में भी आप अगर ऐसा वाला पराग बनाते हैं तो आपका फ्लावर बहुत ही प्यारा लगने लगता है, अगर आप सिंपली भर के येलो कलर छोड़ देंगे तो वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो येलो कलर को फिल करने के बाद हम लाइट ग्रीन का हल्का हल्का शेड देंगे, उस पर डॉट 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 लगाएंगे सर्कल के स्टाइल में और फिर हल्का सा
सैप ग्रीन का भी डॉट डॉट लगा देंगे जिससे वो डेफिनेट हो जाए। ये है हमारा कंप्लीट लुक। देखिए एक सिंपल सी डिज़ाइन में हमने शेड किया, एक ही शेड किया और उसको अच्छे से बनाया। अब ये देखिए जो फाइनली कितना ही क्लियर और प्यारा लुक आया है। आई होप आपको समझ आया होगा और डिज़ाइन पसंद आई होगी। पसंद आई तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप पेंटिंग सीख सकें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जिसको पेंटिंग में इंटरेस्ट है उनके साथ शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर। ऊपर है बिगनर्स प्लेलिस्ट, जिस पे क्लिक करके आप सारा वीडियोस देख के सीख सकते हैं।